कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। आप आसन झगड़ा करे क्या कहा बहन जी? मैंने कहा आप पड़ोसन झगड़ा करे। कह के झगड़ा किया जाता है? इतने दिन हो गए लाहौर की गलियों में रहते, अभी तक ये नहीं सीख पाई कि मर्दों के काम पर जाने के बाद में जिनानियां दिल बहलाने वास्ते झगड़ती हैं। दिल बहलाने वास्ते झगड़े? मेरी जूती। मेरी जूती तेरे खसम के सिर पर। मेरे खसम तक ना पहुँच खसमानु खानी। मैंने क्यों पहुँचना है तेरे खसम तक? तेरे खसम ने ही पहुँचना है इधर उधर। बेचारा आप तो शहरी गबरू और पल्ले पड़ गई तेरे वर्गी गंवारू। तुम शहरियों से तो हम गवार भले, हमारा दिल होता है दरिया वर्गा और तुम शहरियों का दिल होता है चींटी के बिल वर्गा। मेहमानों से कहते हो शाजी पैरी पहना, तुम्हारे वास्ते लस्सी भी तैयार है गड्डी भी तैयार है। मेरे ख्याल में गड्डी में बैठ के चले जाओ, लस्सी पीने में देर हो सकती है। लस्सी के आगे कुछ जानते नहीं गवार। अरे हम शहरी तो रूप बसंत का शरबत पर दाम पलाते हैं। बारात आ जाती है तो रिश्तेदारों को छोड़कर बाकी सबसे अच्छा महाराज कह के हाथ जोड़ देते हैं तेरे शहरी। तेरा शहरी जोड़ता होगा हाथ, मेरा तो उल्टे जुड़वा देता है। वो मंगता तो है इसी लायक कि अगला उसे दूर से ही हाथ जोड़े, पास बुलवा के जेब क्यों कटवानी हुई उससे। जेब कतरा होना है तेरा शहरी, गरीब ग्राहकों की जेबें काट काट कर ही पैसे जोड़े है तुमने। किसी लायक है मेरा मर्द तभी जोड़े है, तेरे को मिला है नालायक निकम्मा तभी सड़ती रहती है। निकम्मा होना तेरा शहरी, तभी तेरी गोद में नहीं है पुत्र, मेरे तो हैं तीन तीन। टोना करके मार दी मेरे पुत्र, तूने कमी नहीं। तूने तो आप करती फिरती है और उंगली उठाती है दूसरों पर। भूल गई जब ड्योड़ी में चावल और सिंदूर का ढूंढा रखते पकड़ा था। मर्द चले जाए फिर करेंगे झगड़ा। वीर जी। अरे तू क्यों आ गई फाटक खोलने, कोई नौकर नहीं है क्या? मैं खुद ही खड़ी आपकी राह देख रही थी। वीर जी मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी भी क्या जरूरी बात है, मैं पहले जरा पाऊजी से मिल लूं, उन्हें बता दूं कि मैं व्यापार में कितना कामयाब रहा। आप उनसे मिल लो और फिर उल्टे पांव निकल पड़ो। मेरी सहेली मुसीबत में है। मतलब? उसके ताया जी आके उसे जबरदस्ती ले गए, वो उसकी शादी करा रहे हैं। हाँ और शादी भी किसी बूढ़े शराबी जमींदार से। क्या तू ये पकड़, मैं भी भाई आत्मानंद को लेकर जाता हूँ। हाँ। ओम सरस्वती प्रेम वसुभगे वाजनीवती यंत्वा विश्वस्य भूतस्य प्रयायमस्य कृता यस्यां भूतं संभवत् यस्यां विश्वमिदं जगत् तामति गाथां गास्यामि स्त्रीणाम् उत्तमं यथा। ओम तुभ्यम् अग्रे प्रवहतु नः सूर्य वहतु नः सह पुनः पतिभ्यो जायादाम् अग्ने प्रजयास। अभी बैठे मत यजमान, अभी फेरे बाकी हैं। क्या कह रहा है ये पंडित, होश में तो है ना? मैं कहता हूँ अभी फेरे बाकी है लाला जी, समझो। फेरों में भी हेरा फेरी, मैं पहली बार शादी कर रहा हूँ क्या, हमें सब मालूम है। मैं कैसे भूल सकता हूँ शाह जी, पिछली तीनों शादियाँ मैंने ही कराई हैं आपकी। और उन तीनों के बरसे भी तूने ही कराई है पंडित, ये वाली मरनी नहीं चाहिए वरना मैंने तुझे मार देना है। शाह जी होश में आओ, ये शादी हो रही है, आइए आइए बाकी मेरे बाकी है, चलो चलो चलो। ओम कर्णेला पितृभ्या पति लोकम यति यम अपा दीक्षा मयष्टा कन्या उततया वयम धारा उदंत्या इवाति गाहे मही द्विषा। साडा चिड़िया का चंबावे बाबुल असा उड़ जाना, साडी जा बेटी खुश रहो उडारी वे बाबुल केड़े देश जाना।
था कौन करते मोरियां कतन पोत्रियां तिये कर जा आपने साड़ा चिड़िया दा चंबावे मैंने कहा जी अभी तक तेल शेर नहीं चुहाया डोरी पर। मेरा ख्याल है कोई खास जरूरत नहीं इन चोचलों की, कोई पहली बार तो ला नहीं रहा हूँ मैं दुल्हन इस घर में। अरे देवरी तुम्हारी भले ही चौथी शादी हो लेकिन इस बेचारे की तो पहली है। रुको सासू जी जरा तेल चुहाने दो। संभल के देवरानी संभल के, पहले ही कदम में फिसल जाओगी तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। चलो सबके जाऊं लाला जी, हमारे काके की नई दादी बहुत चुन के लाए हो। ओ बहन जी मैं तो अपनी वोटी चुन के लाया हूँ। देवर जी वोटी का नाम लाजो से बदल चन्नी कर दो आप। सदके जाऊं चांद का टुकड़ा है। वाह जी वाह, मुंह दिखाई हुई नहीं तारीफ पहले ही करने लग गई। मुंह दिखाई भी होगी, अभी तो तिलवेत्रे करना होगा, गोद भरनी होगी नई वोटी की। गोद में किसे बिठाओगे? दादी की गोद में कोई पोता बिठा देना है। चल फकीर है मेरे नाने का इंतजाम कर, जनानियों को करने दे ये बकवास। गाना खुलवाए बगैर कैसे जाओगे? बाद में बुलवा लेना, अभी तो मैंने अपनी खुराक लेनी है। हाँ चल। चलो जी अब करो तिल वेत्री की तैयारी। नहीं दादी मुझे अपना मुंह दिखा। दादी ने ऐसे नहीं दिखाना मुंह, मुंह दिखाई लेगी ये तो। नहीं दादी जरा अपना मुंह खोलो ना, खोलो ना मुंह। सासू जी आप मुंह नहीं ना खोल रही तो ठीक ही कर रही हो, लाला जी पसंद नहीं करते औरतों का मुंह खोलना। मुंह खोलो ना। नहीं दादी मैं देखूंगा आपके कितने दांत टूटे हैं, पहली वाली के दांत दो टूटे थे। इसके दांत क्यों टूटे होने लगे, तेरी माँ से पूरे 15 साल छोटी है ये। आओ भर जाइए जी, ननन जिठानी में तो हम ही तुम है, यहाँ करा लो तिल वेत्रे। वावा इल तिल में तेरे सत नोंदे तिल में तेरे, वावा इल तिल में तेरे वोटी महाराज दी तिल में तेरे, ज्यों ज्यों महाराजा तिल नचणे सी त्यों त्यों वोटी पुत्र। 7 बारी करना होगा सासू जी, आप तो 1 बारी में ही बस कर गए। इस बिचारी को क्या पता होना है, ये तो आर्य समाजी मामे के साथ रही है अपने। तिल में तेरे सत नोंदे तिल में तेरे, वावा
बस काफी लाला जी, हमारे वास्ते तो कितनी भी काफी नहीं फकीरा, बस का लफ्ज तो हम जानते ही नहीं। भले भले क्या बात कही, और 16 आने सच्ची। आप जो भी करते हो चक्कर करते हो। लाला जी मेरी मानो तो इस पैक के बाद कपड़े बदल डालो, वोटी को भी तो सजा चुकी है जनानिया। संभल के देवरानी, संभल के, पहले ही कदम में फिसल जाओगी तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। गोद भरनी होगी नई ओटी की। गोद में किसे बिठाओगे? दादी की गोद में कोई पोता बिठा देना है। बाजी मामी थोड़ी सोनी दुल्हन आ गई। धर फिटे मुँह तेरे, ये तो तेरी दादी है। मेरी दादी तो बुड्ढी थी, मोटी थी। खोलो ना नई दादी, मैं देखूंगा आपके कितने दांत टूटे हैं। पहली वाली के दांत तो टूटे थे। इसके दांत क्यों टूटे होने लगे? तेरी माँ से पूरे 15 साल छोटी है ये। मेरा ख्याल है कोई खास जरूरत नहीं इन चोचलों की, कोई पहली बार तो ला नहीं रहा हूँ मैं दुल्हन इस घर में। अरे देवरी, तुम्हारी भले ही चौथी शादी हो लेकिन इस बेचारे की तो पहली है। सुरमा तो आज डर नहीं हुआ। गाल पर भी टीका लगा दूं, चश्मे बाद दूर, गबरू जवान लग रहे हो लाला जी। अरे दिल से तो अभी भी जवान हूँ फकीरा, मगर बुढ़ापे की सफेदी दागने लगी है यहाँ वहां से। धूप में सफेद हो रहे हैं लाला साहब आपके बाल, वरना अभी आपकी उम्र ही क्या है, ज्यादा से ज्यादा 45 होगी। 55। मेरा तो ये कहना है कि जो 70-72 नहीं ना हुआ सो कम सिन। छोड़ो राय साहब, निकाल दो वहम बुढ़ापे का मन से। आपका तो आज भी ये जलवा है कि घर की घरवाली के अलावा बाहर की भी 2-4 रखते हो। भले भले आज आप लाला नहीं नवाब लग रहे हो, और शौक भी नवाबों जैसे। लाला जी आज हीरा बाई की छुट्टी रहेगी? नहीं तो और भी ज्यादा नाच गाना होगा।
अब खाना खा लो सासू जी। इस हवेली में नाच गाना शुरू हुआ तो रात भर चलता ही रहता है। सासू जी, हमारे लाला जी वोटी तो हमेशा जवान लाते हैं, वो बेचारियां इसी इंतजार में बूढ़ी हो जाती हैं कि कब लाला जी को रखेल से फुर्सत मिले। क्या बात है? मैं सासू जी से कह रही हूँ कि आप खा लो, लाला जी का कोई भरोसा नहीं। क्या पागलों जैसी बात करती है, अभी आते होंगे देवर जी, मैंने भेजा है फकीरा को। मगर मैंने सुना नहीं। बात ये है ओए राय साहब के पुत्र, तू महफिल में क्या करने वास्ते आया है? नाच दिखाएगा या गाना सुनवाएगा? मेरा तो ऐसा है जी, जैसा राय साहब ने नचाना है वैसा ही मैंने नाचना है। कभी एक टांग पर और कभी दो टांग पर और कभी डेढ़ टांग पर। और गाना आप कहो तो कच्चा सुनाऊं, आप कहो पक्का सुनाऊं। और अगर आपकी तबीयत जरा ऐसी वैसी हो तो। जोर तूने ज्यादा बकबक की ना तो मैंने तुझे कच्चा चबा जाना है। दफा हो यहाँ से, आपको साथ ही लेकर जाऊंगा लाला जी। आज तो आपकी वो है, क्या कहते हैं, सुहाग रात, उसी का जश्न तो मना रहे बेवकूफ। मैंने कहा लाला जी सारा जश्न इधर ही मनाने चले हो क्या? ओए फकीर है, तू ना तो महफिल में अपनी मनहूस शक्ल दिखाए कर और ना बेसुरे बोल सुनाए कर। बेसुरे बोल तो वहां सुनने पड़ेंगे नई वोटी के। मैंने कहा लाला जी इस हीरा बाई ने तो फिर आ जाना है आपकी महफिल जमाने को, आपके हुक्म की बंदी जो ठहरी। अब आप ब्याहता के पास चलो। ब्याहता हो रखे लो, सभी बांदी होती है मेरी, कुछ आई तेरी अक्ल में? मेरी अकल में तो बहुत पहले की आई पड़ी है। आप चलकर नई वोटी को समझाओ, बेचारी आपके इंतजार में बैठी है बड़ी देर से। इंतजार करने की आदत शुरू से ही डालेगी तभी निभनी है लाला जी से। हाँ तो हीरा भाई, मैंने कहा लाला जी दूध मिठाई का शगुन भी रख दिया है। अबे सुहाग रात मेरी है, तू क्यों परेशान हो रहा है, चल जाए यहाँ से। और सुन, दूध मिठाई से मेरा क्या बनना है, वो जरा मेरा खास शगुन। आपका मतलब सोडा विस्की? हाँ हाँ, चल जाए यहाँ से, जा जा। हाँ तो हीरा भाई शुरू करो, शुरू करो। मदिरा में झूमे पिया पिया पिया, मदिरा में झूमे पिया, रोमे अभागे रहना न जाए हाए, आए ना दिन असुवन की झर झर
रहा है फकीरा? तू लेने तो गया था लाला जी को और ले आया इसकी सौतन बोतल को। बोतल आ गई, पीछे पीछे लाला जी आ जाना है। चल पड़े वहाँ से। गाना गुना सुन के आराम से आएंगे। अरे रे रे रे, तुम कहाँ चल पड़ी देर? जा रही हूँ, यहाँ मेरा जी घबराता है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इन्हें थोड़ी देर के लिए नीचे ले जाओ। हीरा भाई का गाना सुनने के वास्ते? तू नई नई वोटी है, बोलते समय ना तो यूँ निगाह उठा और ना आवाज। आप थोड़ी देर के लिए नीचे जनानियों के पास बैठो, लाला जी आएंगे, खबर कर दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है, आप उन्हें खबर कर दो कि मैं जा रही हूँ। घर तो यही है, तेरे ताया जी ने मंत्र बोल के दान किया है मेरे देवर जी को। वो लोग तो जल्लाद हैं, मैं उनकी नहीं अपनी मामा जी के पास जा रही हूँ। आप कहीं नहीं जा सकती। पागल हो गई है क्या? पागल तो आप लोग हुए हो जो समझते हो मुझे इस नरक में रहना मंजूर होगा। रास्ता छोड़े मेरा। देवरानी चुपचाप जाके बैठ जा। आई अकल में? चल फकीरा